तो आप देख सकते हैं कि बाइक अपने आप क्रूज कर रही है, ऑटो पायलट मोड पे चली गई है बाइक। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग्स। एक ग्लव्स पहनना रह चुका था, कैमरा ऑन कर रहा था। तो इस वीडियो में अपन टेस्ट करेंगे अपने CVR को कि बाइक कितना मिनिमम जा सकता है 6th gear पे, क्योंकि टॉप स्पीड तो सब हर कोई चेक कर रहा है अभी। और आपको पता भी होगी कि ये टॉप स्पीड कितना जाती है। तो अभी रमज़ान चल रहा है, आपको मैं बता देता हूँ। सुबह को सहरी हो गई और बाइक लेके के निकला हूँ अभी, और CVR को मैं कंप्लीट 1 महीने बाद चला रहा हूँ। तो बहुत ही खुश हूँ, एक्साइटमेंट है, ब्लॉग बनाना है। तो उसने एक सब्सक्राइबर ने एक डिमांड भी की थी कि CVR लोअर गियर में कितना जाती है, मतलब हाई गियर लो स्पीड कितना जा सकती है, नॉकिंग करती है या नहीं लाइक अदर बाइक। तो अभी अपन 100 पे ले लेंगे बाइक और मैं पूरा एक्सेलरेशन छोड़ दूंगा और फिर देखेंगे कि बाइक कितना जाती है 6th gear में। तो अभी मैं अपना एक्सेलरेशन छोड़ देता हूँ कि मैंने एक्सेलरेशन छोड़ दिए, अभी स्पीड माइनस हो रही है। तो चलो अभी देखते हैं कि कितना जा सकती है मिनिमम। अभी है 45 और बाद में जितना मिनिमम जाएगी, मैंने लास्ट टाइम 30 या 29 समथिंग कुछ तो देखा था। मैंने ब्रेक्स वगैरह कुछ भी अप्लाई नहीं किया, तो आप देख सकते हैं कि बाइक अपने आप ही ECU बाइक को फ्यूल दे रहा है, इतना स्पीड मेंटेन रख बोल के। तो वो रख रहा है 24, अगर 6 एक क्रूज कंट्रोल हो गया अपना अभी मिनी क्रूज कंट्रोल ऑन CVR। तो आप देख सकते हैं कि बाइक अपने आप क्रूज कर रही है, ऑटो पायलट मोड पे चली गई है बाइक। तो ये तो टेस्ला के पहले ही आ गया अपने पास ऑटो पायलट। आप देख सकते हैं कि CVR अपने आप चल रही है, बस अपन को बैलेंसिंग कंट्रोल करनी है इसकी। अपन थोड़ा इधर साइड से चलेंगे। तो अपने पास भी अभी स्टेयरिंग है, आप देख सकते हैं, थोड़ा इधर घुमाएंगे तो इधर चले जाएगी, इधर करेंगे तो इधर 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 इधर। तो कंक्लूजन, 24 पे बाइक जा रही है लोअर, और अभी पुल करते हैं बाइक को। तो गाइस, नो नॉकिंग, जीरो नॉकिंग कर रहा है इंजन। वन परसेंट भी नॉकिंग नहीं है। नॉकिंग है ही नहीं। अभी मैंने 15 पे बाइक को पुल किया, थोड़ा स्ट्रगल उतना इंजन होता ही है, बाकी बाइक्स तो बंद ही गिर जाती है। तो अभी आप देख सकते हैं कि कितना है। इसका बेनिफिट मैं आपको बताता हूँ कि इतना ऐसा इंजन अपना होने का क्या फ़ायदा है। आप बोलेंगे क्या हम रास्ते पे थोड़ी ऐसे चलाते घूमेंगे तुम्हारे जैसा हाथ निकाल के। तो आपको बता देता हूँ मैं कि इसका बेनिफिट।
अगर आप ट्रैफिक में अटक गए हैं पुणे जैसे कौन से भी बड़े सिटी में, अच्छे ट्रैफिक में, शायद से एक्सीडेंट हो गया है यहाँ पर फाइबर पार्ट्स। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, क्या बात कर रहे थे अपन, ट्रैफिक की। अगर आप ट्रैफिक में अटक गए, सपोज ये ट्रैफिक ही समझ लो, अरे अपने पास ट्रैफिक नहीं है, सहलेंगे थोड़ा सा, तो मैं गियर डाउन करना भूल गया, तो पुल कर देंगे तो चली जाएगी बाइक, क्योंकि ट्रैफिक में ध्यान किधर रहता है, आगे की ओर रहता है, सभी का आगे की ओर रहता है, लेकिन ज़्यादा ट्रैफिक पे रहता है, कौन किधर से घुस रहा है, कौन किधर से आ रहा है, तो उस वक्त गियर्स का ज़्यादा ध्यान नहीं रहता, तो उस वक्त बेनिफिट है और रिलायबिलिटी में भी है। और ऐसे अगर मेरे जैसे आप टेस्ट करते हैं तो उसके लिए भी अच्छा है, प्लस पॉइंट है, अच्छा है, बात तो सही है। और क्या चाहिए, तो दैट्स इट गाइस, व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, आज का छोटा सा व्लॉग CBR के टेस्टिंग पे। तो राइड हार्ड, राइड सेफ, बाय, विद सनराइज। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे पैसों के पीछे भागना है। काफी दुनिया है ना, काफी दुनिया है।